देखिए 8 तारीख को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाते हैं, तो हमारा जो अथॉरिटी है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं, वो पूरा सप्ताह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। तो उसके लिए हमने एक मेगा लीगल कैंप लगवाया जिसमें हमने फोकस करा है महिलाओं के लिए। सेक्शन 12 है एक हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, जिसमें 13 तरीके की बेनिफिशरीज हैं, उन सब को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके के कियोस्क लगाए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, लेबर कार्ड हो गया, डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, लीगल हेल्पलेस हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए हैं यहाँ पे और कियोस्क लगाए हैं, जिससे एक आम जनता है जो देहात में है, जो कोर्ट तक नहीं आ पाती, उनको कोर्ट या फिर जिससे मानिए कि किसी और सरकारी दफ्तर तक नहीं आ पाती, तो हमने कोशिश ये करी है कि वो सारी सुविधाएं हम एक जगह ला पाएँ। और एक हमने एक छोटी सी अनूठी पहल करी कि उन लोगों को जो देहात में रहते हैं, जिनको एक बेसिक सर्विस नहीं मिल पाती है, उनको इस चीज़ का यूज़ हो पाए, इस्तेमाल कर पाए। हाँ जी, ये कैंप हमने प्लान करा है, हर 2 से 3 महीने में एक ना एक बार हम रूरल एरिया में लगाएंगे। तो ये कैंप हमने इस यहाँ पे हम पहले भी 4 बार लगा चुके हैं और ये 5th टाइम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसके अंदर जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, OBC वगैरह हो गया, तो वो भी जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं तारा सिंह कश्यप बोल रहा हूँ। मैं आज ये सभियाबाद रोड पर राधा पैलेस कॉम्प्लेक्स में आया हूँ, जहाँ पर मेगा लीगल सर्विस कैंप लगाया गया है। ये कैंप जो है जज श्री हिमांशु सहलोत जी के डायरेक्शन में लगा है, और इस कैंप में जो फैसिलिटी दी गई है बहुत अच्छी सुविधाएँ एक ही कॉम्प्लेक्स में बताया गया है। आधार कार्ड कैंप है, SBI की सर्विसेज है, मेडिकल हेल्थ चेकअप है, और ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड उसके बाद TPDDL है, लीगल एड्स है, लेबर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं हैं आम पब्लिक, इस क्षेत्र के लिए जो हमारी आम पब्लिक है, उसको इस कैंप का लाभ उठाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में जो है यहाँ पर आने चाहिए। मैं रजत शर्मा, महासचिव गॉड्स चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी। आज ये क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी दीजिए, और क्या कुछ जानकारी मिली है आपको यहाँ से, और क्या कुछ फ़ायदा है यहाँ पे आने से? सर, राधा पैलेस में अकसर DLSA के जरिए SDM ऑफिस नयाबास के सौजन्य से ये कैंप लगता रहता है, और आज सुनील खत्री काले जी के सहयोग से और राजेश जी के सहयोग से कैंप यहाँ पे चल रहा है, जिसमें लगभग सभी प्रकार की नेसेसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं, जिसमें हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारे जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें हमारे कास्ट सर्टिफिकेट्स भी हो गए, हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स हो गए, इसके अलावा हमारा लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन है, हैंडीकैप्स के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वोटर ID कार्ड बनाए जा रहे हैं, मेडिकल चेकअप कैंप है, और इसके अलावा कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया है, और उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आज इस कैंप में चल रहा है। निश्चित रूप से लोगों को ऐसे कैंप से फ़ायदा मिलता है जब प्रशासन जो है वो अपने कार्यालयों से निकल कर के जनता के बीच में आता है, और सुबह से जिस प्रकार से लोग मिल रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है, तो लोगों के काम यहाँ पर हो रहे हैं और मुफ्त में हो रहे हैं, सिर्फ सरकारी फीस पर। मैं अनिल आर्या, मुख्य संरक्षण ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन पार्टनर से गरीब बच्चों की सहायता के लिए मुख्य संरक्षक हूँ, और यहाँ पर राधा पैलेस के अंदर जो मेगा लेगन सर्विस कैंप लगा है, ये आधार कार्ड और पैन नंबर से अपना लिंक और हमारा पेटिशन कैंप, पैन कार्ड, ब्लड डोनेशन, लेबर रजिस्ट्रेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सभी माध्यम से यहाँ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, और समय समय पर ये काम होते रहने चाहिए ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, और इसके लिए यहाँ आने के लिए बड़ा धन्यवाद। मैं संजय खत्री, ड्रीम वेलफेयर एसोसिएशन का संरक्षक। ये आज का कार्यक्रम जो है कई संस्था मिलकर कर रही हैं। नॉर्मली जो इसका मेन वो मुद्दा है मेगा लीगल सर्विस कैंप है, ये जो मेरे छोटे भाई सुनील खत्री काला गौ सेवक है,
उनके द्वारा लगाया गया है आज राधा पैलेस के अंदर। इस राधा पैलेस में इसमें फैसिलिटी है, आधार कार्ड कैंप है, SBI मेडिकल हेल्थ कैंप, चेकअप कैंप, वैक्सीन कैंप, पैन कार्ड, ब्लड डोनेशन। टाटा पावर वालों की तरफ से भी दिव्यांगों के लिए भी कैंप लगाया गया, उन्होंने लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कैंप है, जिसके मेन वो अतिथि है जज हिमांशु सैलोत, जो थोड़ी देर में अभी आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह पे मेडिकल हेल्थ कैंपों के लिए, वोटर आई कार्ड के लिए लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इससे ये एक जागरूकता के लिए ही है, ताकि कहीं कहीं बार बार ना घूमना पड़े। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आपने जाके सीधा उनको जमा करवाना है। अब कोई कहीं जाना पड़े, कभी किसी को कहीं जाना पड़े जब तक कैंप लगे। मैं तो चाहता हूँ जगह जगह पे ऐसे कैंप लगने चाहिए। जैसे हमारी ड्रीम सोशल वेलफेयर की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं जगह जगह। जी बिल्कुल, तो ये बस अच्छा लगा इसके नीचे आके, बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बहुत आज हमारे जज साहब हिमांशु आए और उन्होंने यहाँ सारी सुविधाओं के लिए कैंप लगाया गया। कैंप के अंदर आधार कार्ड है, पैन कार्ड समस्या है, और बिजली समस्या है, विकलांगों की समस्या है, और PCR की है, और ट्रैफिक पुलिस की है। सारी सुविधाओं को एक जगह इकट्ठा उन्होंने एकत्रित किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, और 2-3 विकलांगों को सहायता, मतलब जो है खुद अपने हाथों से वो प्रदान करके गए, उनको सुविधा मिले, और आगे भी बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया कि वह कोई कानूनी सलाह लेनी है, किसी की मोहताज नहीं हो, आप आइए, हम आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। उनका बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत सुंदर लगा हमारे को, बड़ा मज़ा आया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफेडर रोहतास सिंह योगी आज आपके लेकर आए हैं नरेला राधा पैलेस गार्डन के अंदर, और आज एक ही छत के नीचे सभी सरकारी विभागों की यहाँ पर कैंप लगाए गए, और जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, विकलांगता का और मजदूरी कार्ड और भी अन्य कई तरह की यहाँ पे जो है सुविधाएं लगाई गई। उसके साथ साथ इन कैंपों को ऑर्गेनाइजर कर रहे सुनील खत्री जी, और यहाँ मुख्य अतिथि रहे जज हिमांशु सैलोत जी, और जिन्होंने यहाँ पर आकर बताया कि अगर किसी को कानून की कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी मदद चाहिए तो वो निसंकोच उनसे बात कर सकता है, और निसंकोच होकर वो अपने कानून हक के बारे में जान सकता है। और इसके साथ साथ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की NGO के बारे में उन्होंने जाना, और उसके साथ साथ में ये भी कहा कि जो सहायता मुझसे बन पाएगी आगे मैं ज़रूर करूँगा, और साथ जुड़कर चलने के लिए कहा। और इसके साथ साथ में यहाँ कुछ विकलांगों को अपने हाथ से ही वो सभी सुविधाएं दी गई। इस कैंप का आयोजन यहाँ गो भक्त सुनील खत्री काला है जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है, और इसके साथ साथ में यहाँ सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई, और आने वाले सभी जितने भी यहाँ लोग थे सभी ने कहा कि ये सराहनीय कार्यक्रम है, और ऐसे कार्यक्रम रहना चाहिए जिससे कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दूरी करते हैं या नौकरी पैसे वाले हैं, वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तब तक सरकारी ऑफिसों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो जिसके चलते वो अपने इन कामों को नहीं पूरा करा पाते, तो ऐसे कैंपों में आकर उनको ये मदद मिल जाती है जिससे सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह की जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और हमारा ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट बाकनेर के अंदर एक NGO चल रहा है, आप उसके अंदर आइए, आप जानकारी लीजिए, और आपको सारी जानकारी यहाँ से मुहैया हो जाएंगी। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।